विनेश भाई, विनियर जब भी होम ओनर अपने घर का काम कराने वाला है तो एक इम्प्रेशन होता है कि लैमिनेट्स करेंगे तो सस्ता पड़ेगा, विनियर कराएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, एंड बहुत लोग फिर ज़्यादा डीप रिसर्च करते भी नहीं है। तो आपको क्या मैसेज देना है उनको विनियर के बारे में? मैं तो यही मैसेज दूंगा कि लैमिनेट आप जो लगा रहे हैं ये विनियर भी उतना ही अफोर्डेबल है। अगर हम कंपैरिजन एक डीपली कर ले कि आप जो अपना कारपेंटर को जो आप फीस देते हो, आप लेमिनेट लगाएंगे या विनियर लगाएंगे, ज़्यादा अंतर नहीं है। जो आप प्लाईवुड यूज़ करेंगे वो भी आप अच्छी क्वालिटी का प्लाईवुड यूज़ करेंगे, यानी ज़्यादातर आप 90% जो भी प्राइस दे रहे हो वो प्लाईवुड हो गया या उसका फीस हो गया या सारे जो हार्डवेयर वगैरह हो गए, काफ़ी हद तक तो आपने वो प्राइस दे चुके हैं, 90% कॉमन है वो। या तो आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ लेमिनेट लगाने से मेरा, इनफैक्ट आप गलत हो। मैं तो ये कहूँगा एक विनियर लगाने पर ज़्यादा आपको रेट में फ़र्क ओवरऑल में देखेंगे तो आपके लिए, क्योंकि विनियर 10% लगता है और लुक 100% चेंज करता है, और आप 90% तो काफ़ी दूसरी चीज़ों के पेमेंट करते हैं, और 10% ऑफ विनियर का अगर आप बजट वाइज देखेंगे 10% भी नहीं होता है। अगर आप थोड़ा सा, अगर आपको एक अच्छा सप्लायर मिल गया तो वो रेटो भी इसके ज़्यादा नहीं है, रिजनेबल रेट में काफ़ी अच्छी चीज़ मिल जाती है, और आप एक नेचर के साथ रहते हो। अगर आप लेमिनेट और विनियर के अगर आप ये देखेंगे, लेमिनेट क्या होता है, विनियर की कॉपी होती है, फोटो कॉपी, और वो प्रिंट करके उसको लेमिनेट बनाया जाता है, आर्टिफिशियली बना। एग्जैक्टली, आप एक जो जिसकी कॉपी करता है वो बंदा हजारों जन यूज़ करते हैं, आप वही लाइव के आप ओनर हो, वही लाइव विनियर के आप ओनर हो, तो यू आर टेकिंग अ मास्टरपीस एंड दे आर टेकिंग अ कॉपी ऑफ दैट। तो आपको डिसीजन लेना है कि आपको मास्टरपीस लगाना है कि कॉपी लगाना है। रेटों में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, यानी विनियर नेचुरल प्रोडक्ट है, आप उसको लगाओगे, उसका थोड़ा नॉलेज रहेगा तो आप उसको अप्रिशिएट करोगे ऐसा। डेफिनेटली डेफिनेटली आप थोड़ा, और शायद ये प्राइस का जो एक सबके दिमाग में है कि विनियर यानी वो अलग ही लग्जरी प्रोजेक्ट्स के लिए है, तो वो शायद थोड़ा सा इंडस्ट्री ने भी क्रिएट किया है, राइट? ऐसा इंप्रेशन है ऐसा। यस, काफ़ी हद तक है। अगर आप लेमिनेट के और विनियर के शोरूम में जाएंगे तो काफ़ी अंतर पाते हैं। एक वो लग्जरियस आपको एक ट्रीटमेंट देता है, या आपको अलग कॉफ़ी पिलाएगा, या इवन आर्किटेक्ट जो जिस तरीके से यस प्राइसिंग होता है वो सब होता नहीं है, मगर आर्किटेक्ट यूजली क्या होता है, ये सारे जो चीज़ ओपन हो जाती है वो चीज़ में तो ओपनली आपको रेट मिल जाती है, मगर विनियर काफ़ी हद तक सप्लायर जो ये जो आर्किटेक्ट डिज़ाइनर और जो मैन्युफैक्चरर से लेकर जो गैप्स रखते हैं वो काफ़ी हद तक गैप रखने के बाद ये महंगी पड़ती है। आपको एक छोटा सा लॉजिक सा उदाहरण दे देता हूँ। आप एक चीज़ कीजिए कि आपको एक लिविंग रूम में 15 शीट लेमिनेट लगानी है, तो आप एक कीजिए कि उसको बजट बोलिए कि लेमिनेट लगाने का बजट क्या होगा। मान लीजिए कि उसने लेमिनेट लगाने का आपको एक 10,000 रेट कोट किया, और वही बंदे को बोलिए कि मुझे 10 शीट विनियर की लगानी है, तो उसकी बजट बोलिए, तो वो आपको 20,000 का कोटेशन देता है, मगर हकीकत ये है कि उससे काफ़ी परेशानी होगी लेमिनेट लगाने के लिए, और विनियर आसानी से वो लगा देता है, मगर वो डबल उसके लिए चार्ज करता है कि आप एक प्रीमियम प्रोडक्ट ले रहे हो। तो ये सारे गैप्स अगर जब कॉमन जब लगाने वाला समझने लगता है तो काफ़ी हद तक वो इमिलेट करके वो अपने घर पे वो लेमिनेट के रेटों में वो विनियर ला सकता है। थोड़ी उसको एक R&D करनी पड़ेगी, थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा। यस वो फर्क क्यों, राइट जगह पे विनियर बाय करना पड़ेगा और राइट लोगों से बात करना पड़ेगा। यस डेफिनेटली।